राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में हुई एक छात्र और दो छात्राओं की मौत ने राजधानी की व्यवस्था की कलई खोल कर रख दी है। ये मौतें भविष्य संवारने का सपना सजोए देश के अलग अलग राज्यों से दिल्ली में आए छात्रों की हुई है। कुछ समय पहले दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 50 से ज्यादा छात्र घायल हो गए थे। कुछ छात्रों को तो खिड़की तोड़कर तीसरी मंजिल से छलांग लगानी पड़ी थी। इस बार स्थान मुखर्जी नगर की जगह ओल्ड राजेंद्र नगर है और कारण आग की जगह बारिश का पानी है। दोनों बार खिलवाड़ कोचिंग सेंटरों में छात्रों के जीवन के साथ हुआ है। हादसे के बाद तमाम छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। वो रात से ही इलाके में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कोचिंग सेंटर बिना किसी सुरक्षा उपायों के कैसे चल रहे हैं। सरकार इन लोगों के खिलाफ कुछ कर क्यों नहीं रही है। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और कोचिंग सेंटर के मालिक और समन्वयक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह हादसा सरकार और कोचिंग संचालकों पर सवाल जरूर खड़े करता है। मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन बताते हैं कि अब इस मामले की जांच की जा रही है कि बेसमेंट में पानी इतनी तेजी से कैसे भर गया। घटना पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया के जरिए लिखा कि मैंने डिविजनल कमिश्नर से मंगलवार तक दुखद घटना के हर पहलू को कवर करते हुए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। प्रशासन की उदासीनता और कोचिंग संस्थान चलाने वालों के आपराधिक कदाचार के चलते जान गंवाने वालों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आरोप प्रत्यारोप के दौर में नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नाले की सफाई नहीं होने से बेसमेंट में पानी भर गया। हफ्ते भर से बार बार यहां के लोग विधायक दुर्गेश पाठक से नाले की सफाई करवाने को कह रहे थे, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। बार बार पिछले एक सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। इस मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि केजरीवाल आतिशी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए कि नाले की सफाई क्यों नहीं हुई। आतिशी अरविंद केजरीवाल इनकी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम का भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए कि क्यों नालों की सफाई नहीं हुई, उसकी जांच करवाएंगे। ये चोरी ये कर रहे हैं, भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, नालों की सफाई ये नहीं कर रहे। दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे बिजली के करंट और पानी के जल भराव के कारण जा रहे हैं। कितने घरों का ये नुकसान कर रहे हैं, इनको अंदाजा ही नहीं है कि दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। जांच करेंगे ये लोग। आरोपों के जवाब में दुर्गेश पाठक कहते हैं कि मामले में एक दोषी किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी पानी तो निकल गया है, लेकिन एनफ इज एनफ। दिल्ली के अंदर सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था, इन कमर्शियल इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे। जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा उनका गेट टूटा है जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे, बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे, लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपने जीवन गंवा कर चुका रहा है।
दिल्ली जैसे शहर में सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में युवा छात्र बारिश का पानी भरने से डूबकर मर जाते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। जो युवा आईएएस बनने का सपना लेकर आते हैं, आखिर उनकी गलती क्या थी? यह तो बस पढ़ाई करने और अफसर बनने की प्लानिंग के साथ दिल्ली आए थे, आखिर इस घटना का जिम्मेदार किसे माना जाए? इस सवाल का जवाब पहले भी नहीं था और शायद आगे जांच की फाइलों में दब कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।